ਸੰਤ ਸਰਣ ਜੋ ਜਨ ਪਰੇ ਸੰਤ ਸਰਣ ਜੋ ਜਨ ਪਰੇ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨ ਹਾਰ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨ ਹਾਰ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨ ਹਾਰ ਸੰਤ ਕਿਨੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ ਸੰਤ ਗਿਨਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਮਹਿਮਾ ਵਖਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਤ ਸਰਣ ਜੋ ਜਨ ਪਰੇ सोजन उदरन हार संसार में जब भी किसी का उधार हुआ किसी संत के साथ हुआ बिना संत के जिंदगी का उधार नहीं है संत की निंदा नान का बाबा नानक जी कहते हैं किसी धर्म के किसी संत की कभी निंदा नहीं करनी चाहे वो किसी भी मजहब का धर्म का हो उसकी कभी निंदा नहीं करनी अगर आप पूजा ना करो उसकी आओ भगत ना करो तो उसकी निंदा भी नहीं करनी तो कहते हैं संत की निंदा नानका बहोर बहुर अवतार बार बार जन्म लेना और मर मरना पड़ता है किसको जो संत का निंदक होता है इसलिए बाबा नानक जी कहते हैं संत शरण जो जन परे सोजन उदरन हार ये गुरु अर्जन देव जी की वाणी है जिन्होंने सुखमणि साहब उच्चारण किया और इसी सुखमणि साहब में ये बारहवीं अष्टपदी है कि संत की कभी निंदा ना करो क्योंकि संत के जीवन के साथ मिल के हमारा जीवन ऊंचा होएगा वही संत जो संत परमात्मा से जोड़ता है कहते हैं संत कौन है जिन्ह सास गिरास विचरे, विछरे हर नामा मन मंत धन सोसे नानका पूरन सोई संत संत कोई लिबास का नाम नहीं है संत वृत्ति का नाम है जिसकी वृत्ति में संत है जिसके अंदर गुण हैं, जो दूसरे का भला करने के लिए आया हुआ है जिसने सदा ही परमात्मा से जोड़ना है तो महाराज गुरु अर्जन देव पातशाह सारे गुरु ग्रंथ साहब में संतों की महिमा का वख्यान करते हैं और ये भी समझाते हैं कि दुनिया के लोगों संसार में संत बड़ी मुश्किल से आते हैं कोई संत दुनिया में आता है जो लोगों को रास्ता दिखाता है तो बाबा नानक जी यही कह रहे हैं कि सारी बाणी में क्या लिखा है संतन क्या सुनिए तो प्रभु की बात प्रभु की बात किसी संत से सुनो कहते हैं जब कोई साकत पुरुष मिले गलत बंदा मिले तो उससे वार्ता मत करो मिले असंत मस्त कर रही है संत मिले किए सुनिए अगर कोई अच्छे जीवन वाला अच्छे आचार वाला इंसान मिले उससे वार्तालाप करो डिस्कशन करो वो उसमें से गुण निकलेंगे जैसे फूलों में से खुशबू निकलती है ऐसे संतों के अंदर से गुण निकलते हैं तभी बाणी में लिखा है संत मिले किच कहिए सुनिए जब भी कोई घर में आपके महापुरुष आए या किसी के दर्शन हों तो उससे परमात्मा की कोई ना कोई बात सुनो और मिले असंत मस्त कर रही है कोई असंत वृत्ति का हो जो ज़्यादा करूर हो तो उससे दूर होके चले जाओ कबीर साकत सुकर भले कबीर जी कहते हैं साकत पुरुष से तो सुअर अच्छा है साकत पुरुष से साकत सुकर भला जो अच्छा रा, राखे गाँव साकत बपड़ा मर गया लेवे ना संत का काम है दुनिया को नाम से जोड़ना साकत का काम है नाम से तोड़ना मन मूर्ख अजहू न समझत सिख दे हो नीत हमेशा संत का संग करो और दुर्जन लोगों का उनको त्याग दो तभी जीवन सुंदर होगा यो तुम्हें असली गुरु गुरु ग्रंथ साहब से जोड़ दे भाई उसका सम्मान करो उसका सत्कार करो वो आदरणीय है ऐसे ही वाहिगुरु कृपा करे हमारा जीवन संतों के साथ मिलके शोभनी हो जाए और खुशियाँ आ जाएं यही आज के युग को चाहिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह